माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्निकल एरिया, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन। एक दो क्वेश्चन पुराने वाले एक बार पूछ लेता हूँ, वैसे तो टेस्ट बनाया है वहाँ पर भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो भूमिका, आपसे क्वेश्चन है मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम, साथ में उसकी तीन फीचर्स भी बताने हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भूमिका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ बेसिकली अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट कैन बी अराइज ड्यू टू थ्री फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड टू फुलफिल दिस अनलिमिटेड वांट्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज आर लिमिटेड। प्रॉब्लम बिकम मोर क्रिटिकल व्हेन रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज। बहुत बढ़िया भैया, ये क्लास के एक एक बच्चे का मेरा टारगेट है कि मैं जब भी किसी भी चैप्टर, ये तो अभी तो पहला ही चैप्टर चल रहा है, कोई भी चैप्टर आपके माइंड में बहुत अच्छे से कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए, और जब भी कभी पूछें तो आप उस सबको रिस्पॉन्स कर सको, बता सको। और भैया, होमवर्क कॉपी इसलिए बनाने के लिए कह रहा हूँ, ये लिखने की प्रैक्टिस मत गड़बड़ कर देना। आप ऑलरेडी पिछले साल भी ऑनलाइन क्लासेस थी, इस साल भी, और लिखने का काम भूल जाएगा, प्रेजेंटेशन बिगड़ जाएगी, तो कल को नुकसान होगा। और पेपर में सब लिख कर दे के आना है, और रिवीजन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम कवनूर बता रही है। Central problems are the basic infrastructural problems of an economy which can be arise due to the scarcity of resources. और इसके बाद इसकी तीन मेजर हेडिंग बता दो, बेस्ड ऑन प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जल्दी से। सर, एक्सप्लेन करनी है हेडिंग? नहीं नहीं सिर्फ हेडिंग बोलनी है सबको। What to produce, how to produce, for whom to produce. इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, सीक्वेंस वाइज ही लिखनी है, सबको बता चुका हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सीक्वेंस बताई थी। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सबने याद कर रखा है, मैंने पहले वन मार्कर के लिए याद कराया, एक लाइन कैसे लिखनी है वो भी बताया, फिर तीन से चार नंबर के लिए बताया था वो लाइन, उसके नीचे डायग्राम शेड्यूल, और उसके बाद क्या लिखना है, अनन्या बता रही है, उसके बाद क्या बताया था मैंने, अजम्पशंस। अरे सब याद रख लो, अजम्पशन की हेडिंग बना के, अजम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और फिर पॉइंट वाइज 1 2 3, कम से कम 3 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 4 पॉइंट, और उसके बाद क्या बताया था अनन्या, करेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ या फंक्शंस ऑफ क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। भैया किसी किताब में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिखा है, किसी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अच्छा मैं नाम क्यों बदलता हूँ इसके बारे में सुनना, अब पेपर वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लिख दे क्वेश्चन में, और तुमने याद कर रखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तुम सारा आंसर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से लिखा हो, जीरो मिलेगा। ध्यान से सुन लो जो बातें बता रहा हूँ मैं, अनन्या बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक बच्चे का नाम है राम प्रसाद मिश्रा, और घर वाले उसे निकनेम में रामू बोलते हैं। अब जो रामू है वो नाम सिर्फ घर वालों को मालूम है, और जो राम प्रसाद मिश्रा है वो दोस्तों को मालूम है, दोस्तों को पता ही नहीं उसका निकनेम रामू है। ऐसी कंडीशन में राम प्रसाद मिश्रा को अगर रामू बोला जाए दोस्तों के सामने, तो किसी को पता नहीं चलेगा कौन है रामू। तो एक गड़बड़ मत कर लेना, जिस लेबल को एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर में यूज कराएगा वही यूज करना है, खबरदार अपनी समझदारी दिखाई। आपकी नॉलेज के लिए मैं दोनों बातें बता रहा हूं, ताकि पेपर में जो लेबल आए वही लगाना, आप उसे बदल मत देना, सेम उसी पोजीशन में आंसर देना है आपने। अनन्या बात समझ में आ रही है? अनन्या yes, sir. तो आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब, एक ही बात है, पेपर में जो मर्जी नहीं लिखना, वो जो लेबल लगाएगा वही लिखना, यू कांट बी चेंज। पीछे मैंने बात बताई थी नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, अरे याद आ रहा है कवनूर? जो लेबल लगा वही लगाना है। लैंग्वेज में आगे अभी स्लाइड्स आएंगी तो मैं टॉपिक याद कराऊंगा उसको, आइडिया मैंने दिया था एक एमसीक्यू में। फिलहाल वापस आ रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक नंबर के लिए सबको याद हो चुका है, सब एक बार मेरे साथ रिवाइज कर ले अपने मन में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिफ्लेक्ट द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज which an economy can be produced on the basis of full and efficient use of resources with the given technology and period of time. मैंने ये टॉपिक समझाते हुए बताया था, किस आदमी ने इसे बनाया, प्रोफेसर सैमुएलसन। ये बात लिखो नहीं लिखो, ये आपकी नॉलेज के लिए, आपकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, कॉलेज में तो लिखना होता है कंपलसरी, और ये सारे टॉपिक आगे एक्सपेंडेड फॉर्म में कॉलेज में आएंगे, तो आप जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन कर लो अच्छा है। अरे यहाँ पर मैंने क्वेश्चन बताया था, अनन्या से क्वेश्चन है, बाकी सब मन में सोचना, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, तो चीजें याद रखनी है बच्चों। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बनाने वाला कौन था, प्रोफेसर सैमुएलसन। और ये टॉपिक हम इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं,
बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैंने उसका आइडिया दिया कि ये टॉपिक किस लिए बनाया गया सैमुएलसन ने, ताकि वो सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, सॉल्यूशन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस एंड सॉल्यूशन ऑफ फॉर हुम टू प्रोड्यूस को रिफ्लेक्ट कर सके एक एग्जांपल के माध्यम से, जिसे उसने नाम दिया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो लैंग्वेज एक नंबर के लिए याद कर चुके हैं, आइडिया मैं आपको बता चुका हूं, सबको याद हो चुका है। फिर तीन से चार नंबर के लिए हमने प्रेजेंटेशन तैयार कर ली थी, कैसे लिखना है, मीनिंग सबको याद हो चुका है। अनन्या नोट्स बना लिए? यस सर। भैया ये लिखने के काम में कोई बच्चा पीछे मत रह जाना, कभी मुझे यहाँ बोल दो बना लिए हैं और काम पेंडिंग रह जाए। तो ये डायग्राम शेड्यूल की बात, शेड्यूल में याद कराया था एक्स एक्सिस पे कोई खाने पीने वाला एग्जांपल ले लेना, 0, 1, 2, 3, 4 करके बढ़ाना, रीजन एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वाई एक्सिस पे कोई भी सेफ्टी मेजरमेंट का एग्जांपल ले लेना, गन का मतलब गन नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम लिखे होंगे। और टेबल बनाते वक्त ध्यान रखना, पहली बार जो वैल्यू घटा के लिखो, जितना घटाया अगली बार उससे अनन्या ज़्यादा, उससे ज्यादा, और आखिरी में जीरो आना चाहिए, जितने कॉम्बिनेशन बने। अरे कॉम्बिनेशन एक कम हो जाए ज्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम। शेड्यूल बनाने का तरीका बता दिया, कंसेप्ट आपको फॉलो करना है, टेबल अपनी तरफ से बना सकते हो। उसके बाद जब मैंने डायग्राम बनवाया, एक्स एक्सिस पे खाने पीने वाला कोई भी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल बटर, वाई एक्सिस पे गन, और जो डायग्राम आपने, जो लाइन आपने खींची है, वो लाइन कैसी होनी चाहिए, अरे जल्दी बताओ कवनूर, कॉन्केव टू ओरिजिन, याद कर लो, ये स्ट्रेट लाइन, ये कन्वेक्स, और ये वाली लाइन क्या है जो सामने बनी हुई है, कनकेव। और कुछ बनाना नहीं है, रीजन में बाद में एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चनों के एक्सप्लेनेशन में, तीन से चार नंबर में, अभी ये जो बात, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। अच्छा एक बात और बतानी जरूरी थी, हर चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम शेड्यूल बनाएंगे, तो जो आपका डायग्राम बनाए उस डायग्राम पे लिखना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अनन्या बात समझ में आ रही है, जहां डायग्राम बनाओ हाथ किया तो डायग्राम पर लिखना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फ्रंटियर, और जो शेड्यूल बनाओ उस पर भी लिख देना क्या, शेड्यूल ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये समझ में आ रहा है, लेबल लगाना जरूरी है क्या वो रामलाल है, सीताराम है, गोपीनाथ है। अनन्या बात समझ में आ रही है? Yes, तो हमने मीनिंग लिख दिया, डायग्राम शेड्यूल लिख दिया, उसके बाद अजम्पशन, मैंने कहा था कम से कम तीन, ज्यादा से ज्यादा चार पॉइंट याद करा चुका हूं। अनन्या रिपीट करें ऑल द फोर अजम्पशंस, कोई यहां आगे पीछे, हाँ आगे पीछे बोल सकते हो कोई भी पॉइंट और लिख सकते हो। The amount of resources in an economy is fixed. The level of technology is assumed to be constant. Only two goods can be produced, and the level, the resources should be fully and efficiently used. समझा चुका हूँ, चारों की चारों assumption already आपके meaning से आ रही है, जो आपने पहले paragraph में याद करा है। सैमुएलसन जी महाराज अपने एक्सप्लेनेशन में पहले से बोल रहे हैं कि सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी ना कम का ना ज़्यादा का। रियल लाइफ में ज़्यादा का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर पीपीसी पॉसिबल नहीं होगा। जो भी रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करोगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो यहाँ पर सैमुएलसन जी महाराज बोल रहे हैं कॉन्स्टेंट है, फिक्स्ड है, गिवन है। पहले से पता है कि प्रोडक्शन में आपके पास 10,000 रुपये है, 1,00,000 है, अमीर का मतलब थोड़े ज़्यादा, गरीब का मतलब थोड़े कम, जितने मर्जी किसी के पास नहीं होते, वो पहले से ही पता है कितने रिसोर्सेज हैं। और ये जो भी रिसोर्सेज आपको पता है उसका आप अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सैमुएलसन अजम्पशन कितना यूटिलाइज करोगे, फुल्ली एंड एफिशिएंट। मैंने आपको बताया था रियल लाइफ में आप फुल एंड एफिशिएंट हो भी सकते हो और नहीं भी। कवनूर याद आ रहा है? यस सर। खाने के मामले में फुल एंड एफिशिएंट और पढ़ाई के मामले में, कवनूर बता तो दो, कवनूर बता नहीं पा रही, लिमिटेड उसे बोलते हैं, इनएफिशिएंट बोल दो। अरे 100% नंबर नहीं आ रहे, अरे 90% आए का मतलब 10% इनएफिशिएंसी है। इवन 99 नंबर भी आए तब भी हम बोलेंगे 1% इनएफिशिएंसी है, क्योंकि भगवान ने इंसान को असीमित शक्तियों के साथ बनाया है। अरे भगवान ने वास्तव में इंसान को अपने जैसा ही बनाया है, और जब भगवान के पास दुनिया भर की पावर्स हैं तो तुम्हारे पास भी वो शक्तियाँ हैं। अब तुम उसका जितना, अरे ये तो पेपर चेक करके लिमिटेशन है कि वो 100 से ज्यादा दे नहीं सकता, लेकिन तुम पेपर में प्रेजेंटेशन इतनी ज्यादा बेहतरीन कर सकते हो। देखो लिखने का प्रेजेंटेशन, शब्दों का वोकैबुलरी स्किल, कोई लिमिट नहीं है। अनन्या मेरी बात समझ में आती है? अब जितना बेहतर से बेहतर कोशिश कर सको, ऐसे समझो चार बच्चों के बोर्ड में 100 नंबर आ गए, लेकिन चारों बच्चों के पेपर बोर्ड में जाके आप निकलवा लो, पेपर एक जैसा नहीं होगा, प्रेजेंटेशन में फर्क होगा, वोकैबुलरी स्किल में फर्क होगा। वो लिमिटेशन है कि पेपर में सबको, चारों बच्चों को 100 नंबर देने पड़े, उससे ज्यादा दे नहीं सकता टीचर। अगर दे सकता होता तो एक बच्चे को
110 मिलते एक को, 120, 140, 150, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा बेहतर है, उनका वोकैबुलरी स्किल और भी बेहतर है। अनन्या मेरी बात समझ में आ रही है? अनन्या यस तो वो लिमिटेशन है, तो रिसोर्सेज क्या फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मैं आने वाली क्लासेस में आपको बताऊंगा। आप फुल एंड एफिशिएंट से ज्यादा आगे भी जा सकते हो। कवनूर मेरी बात समझ में आ रही है? आप किसी मामले में यस फुल एंड सर एफिशिएंट से आगे भी जा सकते हो, और किसी मामले में फुल एंड एफिशिएंट रहते हो, और किसी मामले में फुल एंड एफिशिएंट से पीछे चले जाते हो। वो डिस्कशन हमारा बाद में चलेगा। फिलहाल सैमुएलसन जी बोल रहे हैं अपनी एक्सप्लेनेशन में, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, और जो भी टेक्नोलॉजी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो वो आज के जमाने की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, जो आज आप सबको एज ए प्रोड्यूसर मालूम है। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये अजम्पशन सबने याद कर रखी है। इसके बाद याद कराया था आपको फीचर्स, फंक्शंस या करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तीन तीन पॉइंट मैक्सिमम लिख सकते हो, आपकी बुक में दो ही पॉइंट मिलेंगे। तो एक बार अनन्या रिपीट करेंगे, फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज स्लोप्स डाउनवर्ड्स। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉनकेव शेप, इट रिफ्लेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तीसरी बात, हम आपकी नॉलेज के लिए डिस्कस कर रहे हैं, बुक में नहीं मिलेगा, कोई बच्चा ना लिखे तो भी चलेगा, बता चुका हूं मैं। आगे चलेंगे जी, ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है 3 से 4 नंबर का। एक बार जल्दी से एक छोटा सा टेस्ट पूरा करो, और इसके अगले दो क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन समझेंगे और याद करेंगे। ये जो एमसीक्यू का टेस्ट मैं हर क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से करा करो, कोशिश करा करो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो, सारे टॉपिक आपको याद है, उसके बावजूद इन एग्जांपल्स में आपकी मिस्टेक हो रही है, तो अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करो, और जो मैं रीज़न आपके साथ शेयर करता हूँ उसको समझो। थोड़ा फास्ट करना है, किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई शब्द पढ़ने में कुछ दिक्कत करे, पूछ सकते हो, मीनिंग पूछना चाहो। कोशिश करना सही ऑप्शन का सिलेक्शन हो। कराए हुए टॉपिक में से हर बार क्वेश्चंस आपके लिए बढ़िया बढ़िया बनाए जा रहे हैं। आर्यमान कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर मेरे मैम सर मैंने सबमिट नहीं किया था, वो मेरी बस क्वेश्चन वाली स्क्रीन चली गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं शेयर करूंगा आपके साथ, सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, तब आप देख लेना आपके कितने सही थे और कितने गलत थे। ओके सर। बाकी जरा जल्दी जल्दी करें जी। जल्दी से करें, सिर्फ 50% बच्चों का अटेम्प्ट हुआ है अभी। यहां मैं आफ्टर 12th का डिस्कशन करता हूं। कल मैंने एनटीए, अरे बताया था मैंने, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें, मास्टर डिग्री में करना जाना चाहें, या जॉब पे जाना चाहें, कल को जॉब पे जाना है गवर्नमेंट सेक्टर में, तब भी टेस्ट होगा।
एक एमसीक्यू, अरे जो आपका एमसीक्यू कि क्यों सरकार ने क्यों स्कूलों में एमसीक्यू को इंट्रोड्यूस करा और हर सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन बनाने क्यों जरूरी है और ज़्यादा वाइडली होते हैं, बढ़िया तैयारी के बगैर इन्हें अटेम्प्ट नहीं किया जा सकता। इसका पर्पज़ बता देता हूँ, कल को किसी कंपनी में जॉब के लिए जाना हो, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो, मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना हो, आपके पास ये एमसीक्यू रहेंगे और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में 45 सेकेंड से ज़्यादा नहीं मिलते। 45 सेकेंड बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट भी नहीं बोल रहा। और जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, बस एक बार रीड करते ही टिक करने का काम है, वो भी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, और जिसने पढ़ने में ही ज़्यादा समय लगा दिया तो ये प्रैक्टिस, वो ये नहीं कह रहे ग्रेजुएशन के एडमिशन के वक्त आप प्रैक्टिस करना, वो यहाँ पर आपको स्कूल लेवल से ही प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेहतर करो बच्चों। सब बच्चों का हो गया, डिस्कस करना चाहेंगे, बढ़िया। 4 मिनट आप सब ने लिए हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए, तो हर बार कोशिश करा करो स्पीड बढ़ाई जाए, जल्दी से अटेम्प्ट हो सके। और उसका पर्पस, आपके स्कूलों में तो सिर्फ 20 क्वेश्चन 20 नंबर की वेटेज है हर सब्जेक्ट में, लेकिन आगे जाकर इसकी वेटेज 100% है, सिर्फ आता ही एमसीक्यू है। डिस्कस करता हूँ अनन्या, आपको मालूम है यूपीएससी की तैयारी में जो पहला प्रीलिम्स एग्जाम होता है वो होता ही एमसीक्यू की फॉर्म में। यस। और उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता है। और उसके बाद डिटेल्ड होता है। हाँ, उसके बाद बस इंटरव्यू और फिर आईएएस, आईएफएस, आईआरएस, आईपीएस। आईपीएस तो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाती है। तो आगे चलते हैं जी, पहला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था विच ऑफ दीज नॉट द असम्पशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब इस क्वेश्चन का आंसर जब बच्चों ने टिक करा तो कुछ बच्चों ने ए टिक कर रखा है, कुछ ने बी, कुछ ने सी, कुछ ने डी। भैया ये खिचड़ी क्यों? मैं आज भी ऑलरेडी टॉपिक पिछली क्लास में भी रिवाइज कराया था, उससे पिछली क्लास में भी कराया था, आज भी मैंने सीधा क्लास शुरू नहीं करी है, पहले टॉपिक रिवाइज कराया है, उसके बाद भी आप ऐसा लगता है कि सो रहे हैं क्लास में। भैया अब तो आंसर ठीक आना चाहिए ना। वो कह रहा है कौन सा अजम्पशन पीपीसी का नहीं है, मैंने अजम्पशन याद कराए रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। आपने अलग से अजम्पशन याद कराया है, आपने मीनिंग में याद कराया है रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मीनिंग में लिखना है, नहीं लिखा तो मीनिंग के भी नंबर कट जाएंगे। जो भी रिसोर्सेज आपके पास है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ टू कमोडिटीज, वो रिसोर्सेज पहले से ही फिक्स्ड हैं, गिवन है, ये भी आपने मीनिंग में लिखा है, अजम्पशन में लिखा है। जो भी टेक्नोलॉजी है आपके पास वो कांस्टेंट है, आप उस टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकते। जो भी आप प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉलो करोगे वो सारे के सारे लोग उस जमाने की वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉलो करेंगे, चेंज नहीं कर सकते कि पुराना रामलाल पुराना वाला मेथड, श्यामलाल नया वाला मेथड। अरे सभी इंसान हैं, इंसानों को पता है क्या बेहतर है और जो उस जमाने में बेहतर मेथड है उसी को फॉलो करेंगे। तो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेंस कॉन्स्टेंट या नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ही बात, ये भी अजम्पशन है। और ये तीनों की तीनों अजम्पशन सही हैं, कई बार तो पढ़ने में गलती हो जाती है, वो नोट पढ़ने में ही नहीं आता। तो भैया एक तो रीडिंग फास्ट होनी चाहिए, एक उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी जल्दी से समझ में आनी चाहिए और आंसर देख के दो। हर बार डिस्कस कर रहा हूँ, आज भी डिस्कस करा है और नॉलेज है, याद कर चुके हो और उसके बाद गलत डिस्कशन, ये गड़बड़ है मामला। आंसर क्या रहा कमनूर यहाँ पर? None of these. और जिन्होंने भी एबीसी टिक करा है वो भैया पेपर का काम क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपके लिए, आपको मालूम है इस बार 12th क्लास के एग्ज़ाम आपके तो कैंसिल हो गए, 12th क्लास के एग्ज़ाम किसी भी हालत में कैंसिल नहीं होंगे, ऐसा सीबीएसई का अनाउंसमेंट है, मालूम है ये बात लावण्या? Yes, sir. और उन्होंने एक ऑप्शन सोचा है, एक्चुअली में रिटर्न एग्ज़ाम अगर लिए जाएं तो भैया कुछ बच्चे फेल होते हैं, कुछ की कंपार्टमेंट आती है, कंपार्टमेंट के लिए दोबारा पेपर लेने होते हैं, कोई बच्चा अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होता तो रीटेस्ट, अरे वो रीचेकिंग वाला सिस्टम होता है। तो ये पूरा खेल चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, अप्रॉक्सीमेट 4 मंथ या 4.5 मंथ तक चला जाता है, जिसमें कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आ गया है, जिसमें जो रीवैल्यूएशन वाली बात है वो भी आ गई है। ये समझते हो मेरी बात अनन्या? ऑलरेडी yes, लेट हो चुके हैं, अगला सेशन खराब नहीं करना चाहती सरकार, तो 4.5 महीने सरकार के पास नहीं है, तो सरकार ने एक शॉर्टकट सिस्टम प्लान करा है
कि वो 45 डेज में सारा खेल कर सके, जिसमें रीवैल्यूएशन भी है, रीवेरिफिकेशन भी है, किसी की कंपायरमेंट आ जाए तो वो रीटेस्ट भी दे सकता है, उसका रिजल्ट भी अनाउंस किया जा सकता है, ताकि अगला साल जीरो ईयर अनाउंस ना हो जाए, अगले साल में बच्चा वो अगला साल जो भी ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर है उसको कर सके। उसके लिए वो 45 डेज में सिर्फ एमसीक्यू का टेस्ट बनाने पर प्लान कर रही है, सिर्फ एमसीक्यू। लेकिन एमसीक्यू बढ़िया नॉलेज के बगैर बच्चे को अब उसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू टिक करने हैं, सिर्फ एमसीक्यू टिक करने हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। अनन्या बात समझ पा रहे हो? मैथ्स में ज़्यादा नॉलेज के बगैर आप वो क्वेश्चन रिटर्न नहीं कर सकते एमसीक्यू का, तो इस पर काम थोड़ा ध्यान से करो बच्चों। तो यहाँ पर आंसर नन ऑफ दीज है। अगली बात, क्वेश्चन नंबर टू, इकोनॉमी ऑपरेट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर व्हेन, बोलो जी, व्हेन देयर इज ए, कौन बोलेगा? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। भैया फुल एंड एफिशिएंट, फुल एंड एफिशिएंट को बोलते हैं ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो खबरदार, इसके अलावा कोई और टिक नहीं हो सकता। फुल एंड एफिशिएंट क्वेश्चन के मीनिंग में याद करा है। तीसरा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपने याद करा प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो यहाँ लिखा जा रहा है किन लोगों को हम गुड्स बनाकर बेचेंगे, किससे रिलेटेड है, जल्दी बोलो। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, तो किन के लिए हम बना के बेचेंगे, हुम टू प्रोड्यूस, सबको मालूम है। फोर्थ, यहाँ कुछ बच्चों ने समय बहुत ज़्यादा लगाया, उसके बाद भी रीडिंग करने के बाद भी गलत ऑप्शन टिक करी है कुछ बच्चों ने। मेरा क्वेश्चन कवनूर से है, क्या सही आंसर है, जल्दी बताएं। सर बी, बच्चे ने बोला है बी ऑप्शन सही है। मैं एक बच्चे से और पूछ लेता हूँ, किसी एक बच्चे से। हंशिका आपके अकॉर्डिंग कौन सा ठीक है? हंशिका जल्दी बोलना है। लावण्या बिल्कुल ठीक है जी। अब कोई कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं पूछ रहा हूँ का मतलब आंसर कुछ और होगा। अब रीजन समझ लो, रीजन समझ लो। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना होता बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है या नहीं है, जो मोस्ट सुटेबल है चारों में से उसको टिक करना होगा। पहले वाले में गड़बड़ क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स की प्रोडक्शन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ सेटिस्फेक्शन प्रोडक्शन की जगह क्या बोल रहा है, सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का प्रोड्यूसर का कंसेप्ट है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है, स्टेटमेंट रॉन्ग। सी पार्ट देखो, सी पार्ट में बोल रहा है वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन बजट। ये जो बजट है ये कंज्यूमर का टॉपिक है। अरे हर कंज्यूमर जब भी अपने पैसे को यूज़ करना चाहता है तो बजट बनाता है, इतने रुपए खाने पे लगाएगा, इतने कपड़े पे लगाएगा, इतने एजुकेशन पे लगाएगा, क्योंकि जो उसके पास है वो लिमिटेड है और उससे अनलिमिटेड वांट्स पूरी नहीं हो सकती, तो उसके लिए वो बजट बनाता है। अरे हर घर बजट बनाता है, इसी तरह बात समझ में आ रही है। बजट Yes, sir. अपनी अर्निंग का डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर, अरे अमीर के पास भी जितने मर्जी नहीं है, बजट हर किसी को बनाना होता है, अमीर को भी बनाना होता है, गरीब को भी, ताकि उतने ही पैसे में पूरे महीने में व्यवस्थित रूप से सारी चीजें कैसे मैनेज की जा सके, ताकि लाइफस्टाइल मैक्सिमम रहे। तो ये बजट कंज्यूमर का टर्मिनोलॉजी है, प्रोड्यूसर का ही नहीं, और टॉपिक प्रोड्यूसर का चल रहा है। बी और डी में देखते हैं। डी पार्ट, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो लिखा है वो गलत नहीं है, वो अलग बात है, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। डी पार्ट, वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ये उससे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड है, ज्यादा बेटर लिखा हुआ है, इसीलिए बी ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। चलते हैं आगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज जर्नली, सबको मालूम है, इसमें तो कंफ्यूजन किसी को नहीं होनी चाहिए कैसा होता है। अरे जर्नली कनकेव होना चाहिए। अरे एक्सेप्शन की बात बाद में करेंगे, एक्सेप्शन की बात बाद में करेंगे। 100 में से 90 लोग नॉर्मली एक जैसा बिहेवियर रखते हैं, उन्हें बोल रहे हैं जर्नल बातें, जर्नल रूल्स। लेकिन वो दो चार लोग जो बिल्कुल भीड़ से हटकर बिहेव करते हैं, उन्हें बोल रहे हैं एक्सेप्शंस। तो एक्सेप्शंस हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स में एक्सेप्शंस के नाम से, यहाँ पर भी चलेगा। पहले हम जर्नल बिहेवियर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का सीख रहे हैं, कैसा होता है कंकेव टू ओरिजिन। मैं आगे बताऊंगा ये पॉसिबल हो सकता है स्ट्रेट लाइन कब, और ये पॉसिबल हो सकता है कन्वेक्स टू ओरिजिन कब, जो रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, एक्सेप्शन सिचुएशन है, होना चाहिए, इन सिचुएशन में हो सकता है। अनन्या मेरी बात समझ में आई, मैंने क्या आइडिया दिया? Yes, sir.
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अगले दो क्वेश्चन, तीन नंबर चार नंबर के लिए क्वेश्चन सबको मालूम है। आपने पहला फीचर याद करा था, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग आपने याद करा था। एग्जामिनर इसी बात को लिख देगा क्वेश्चन का तरीका, नंबर एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग एक्सप्लेन, या वो बोलेगा एक्सप्लेन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इन द नेम ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग। अरे आप सबको मैंने बताया था कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, ग्राफ की लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकती है, अपवर्ड स्लोपिंग हो सकती है या डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकती है। हम इन चार बातों में से बोल रहे हैं पीपीसी नॉर्मली डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, यानी बाकी तीन बातें नहीं होंगी। वो बोल रहा है प्रूफ करो ये तीन बातें क्यों नहीं होंगी, यही क्यों होगा। अनन्या क्वेश्चन क्लियर हो गया? नो सर, एक बार दोबारा पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन आएगा आपने पहला फीचर फंक्शन याद कराया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, और यार जो कर्व आपने बनाया है ब्लू कलर से ये कैसा है, ऊपर से नीचे डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो कह रहा है ऐसा क्यों डाउनवर्ड ही क्यों है। तो मैंने उसके लिए टोटल चार पॉसिबिलिटीज बनाई है सामने, चार पॉसिबिलिटीज बनाई है। पहली पॉसिबिलिटी में मैंने लिखा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अरे पीपीसी कर्व कैसा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अनन्या देख विजिबल हो रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस? फिर मैंने बनाया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर मैंने बनाया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। अनन्या विजिबल है अपवर्ड स्लोपिंग? Yes, और फोर्थ ऑप्शन है पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये चार पॉसिबिलिटी है ग्राफ में, इसमें से सिर्फ मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल रहा हूँ तो एग्जामिनर बोलेगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, अपवर्ड स्लोपिंग क्यों नहीं हो सकता, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस क्यों नहीं। अरे वो पैरेलल की बात करेगा नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग की बात करेगा नहीं, वो बोलेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही क्यों होता है, का मतलब इन चारों में से यही क्यों है बाकी क्यों नहीं है। क्वेश्चन क्लियर हो गया कवनूर? यस सर। इशिता, दीप्ति? यस सर, यस सर। तो हेडिंग सबको याद है, फंक्शन के नाम से यूज कर चुके हो, एग्जामिनर बस इसी लाइन को लिख के बोल देगा इसका रीजन बता दो या इसको एक्सप्लेन कर दो। तो एक्सप्लेन करने के लिए आंसर कैसे लिखना है उसकी डमी में बना रहा हूं यहां पर। पहले पीपीसी का मीनिंग लिखना जो आप याद कर चुके हो, डायग्राम वही बनाना, शेड्यूल वही बनाना, याद कर चुके हो आप। और उसके बाद एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने रीजन लिखना है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों, ये मैं समझाना भी चाह रहा हूँ और याद भी कराना चाह रहा हूँ। ये पैराग्राफ याद करना है, अभी क्लास में सुनूंगा और अगले क्वेश्चन पर चलूंगा। अनन्या शुरू करें? यस सर। तो मीनिंग सबको याद है, डायग्राम शेड्यूल सबको याद है, शेड्यूल बनाते वक्त जो प्रिकॉशन बताए थे वो ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे खाने पीने की चीजें और काउंटिंग वन बाय वन एक एक करके, वाई एक्सिस में बड़ी वैल्यू, घटाते वक्त जो बातें बताई थी गड़बड़ मत करना, और डायग्राम की बातें बता चुका हूँ। अब यहाँ प्रूफ करना है डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, तो ध्यान से समझो, पहले मैथमेटिकल डिस्कशन करेंगे, जो लैंग्वेज लिखनी है वो बाद में बताऊँगा, सिर्फ मैथमेटिकली आप चर्चा करें। ये सामने मैंने एक लाइन बना दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस में दो तीन कॉम्बिनेशन मुझे बताओ, दो तीन कॉम्बिनेशन में सामने बनाना चाह रहा हूँ। आप पहला कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, इसमें आप अरे x की वैल्यू जीरो लिखो, अरे ग्राफ आप सबको पढ़ना आता है, x की वैल्यू जीरो y 10 मान लो। अरे अनन्या बात समझ में आ रही है, x 0 y 10? Yes, अगर मैं दूसरा कॉम्बिनेशन a कॉम्बिनेशन पढूं तो यहां पर x की वैल्यू 1 ले लो और y 10 रहेगा। अगर मैं कॉम्बिनेशन b की बात करूं तो b कॉम्बिनेशन पे x आपका 2 हो चुका है, y 10। c की बात करूं तो c पे x आपका 3 हो चुका है और y 10। कुल मिला के जब भी कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी तो ऐसी कंडीशन में x बदलता जा रहा है जबकि y कांस्टेंट है, 0 10 1 10 2 10 3 10 4 10, ये सबको समझ में आता है अनन्या? Yes. कोई भी लाइन पैरेलल तभी बनेगी जब एक डाटा कांस्टेंट रहेगा और दूसरा बदलता जाएगा, आप सबको मालूम है। अब रियल लाइफ की बात बताता हूँ, आप मान लो आपके पास 100 रुपया है जिसे आप दो कॉमोडिटी के प्रोडक्शन पर लगाना चाह रहे हो। बच्चों पहले का प्रोडक्शन जितना बढ़ाओगे, अरे बटर का प्रोडक्शन जितना बढ़ाओगे तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बटर पे पैसे ज़्यादा लगेंगे, जब पैसे ज़्यादा लगेंगे तो गन के लिए पैसे कम रह जाएंगे, जब गन के लिए पैसे कम रह जाएंगे तो गन का प्रोडक्शन कम होगा ज़्यादा होगा। पूरी क्लास जल्दी
सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, आपके पास रिसोर्सेज गिवन है, मान लिया 100 रुपए, दो चीजों का प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ा गए तो ऐसी कंडीशन में दूध बटर के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे, तो गन के लिए पैसे कम बच जाएंगे, तो गन का प्रोडक्शन कम करोगे। जैसे जैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, गन का प्रोडक्शन कम करोगे, एक का बढ़ना दूसरे का घटना, ये इन्वर्स रिलेशन होता है। क्या होता है जल्दी बताओ? अरे इन्वर्स रिलेशन समझ में आता है कवनूर? तो इस दुनिया का नियम है, बदल नहीं सकते। आप बटर का प्रोडक्शन जितना बढ़ाओगे पैसे ज्यादा लगेंगे, गन के लिए उतने ही पैसे कम हो जाएंगे, तो गन के लिए पैसे कम हो गए तो गन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, यानी एक को बढ़ाने पर दूसरा घटेगा, एक को बढ़ाने पर दूसरा घटेगा। जो बोल रहा हूँ ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है, ये बात डायग्राम में भी नजर आ रही है, एक एक करके सामने दिखा देता हूँ। ये देखो, आपने यहाँ बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया, गन कम हो गई, फिर बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया, गन कम हो गई, फिर बढ़ाया, फिर कम हो गई, यानी एक को बढ़ाना दूसरे को घटाना, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिर देखो इधर, बटर बढ़ गई, गन कम हो गई, इन्वर्स, बटर बढ़ गया, गन कम हो गई, ये होगा ही होगा, ये नेचर है, जिसकी वजह से मैं डाउनवर्ड स्लोपिंग बोल रहा हूँ। कुल मिला के पैरेलल तभी बनेगा जब एक चीज का प्रोडक्शन उतना ही करो और दूसरे को कम ज्यादा कर लो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमेशा वाई एक्सिस का 10 यूनिट ही बनाओ और एक्स को कम ज्यादा करो, तो ये गिवन रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं हो सकता, ये लिमिटेड रिसोर्सेज से पॉसिबल नहीं होगा, रिसोर्सेज को कम ज्यादा करना होगा, यानी पीपीसी का अजम्पशन फेल होता है। समझ में आता है कवनूर, अनन्या? आपके पास हाँ, अरे 0 10, 1 10, 2 10, अरे प्रोडक्शन वाई का तो उतना ही है, एक्स का बढ़ता जा रहा है, तो भैया हर अगले कॉम्बिनेशन पर पैसे ज्यादा लगेंगे। ए पर जितने पैसे लगाए हैं, बी पर और ज्यादा, सी पर और ज्यादा, डी पर और ज्यादा, ई पर और ज्यादा, क्योंकि एक्स बढ़ता जा रहा है, वाई उतना ही है, तो पैसे और लगाने पड़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं इन द नेम ऑफ मनी विच कैन बी यूटिलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ टू कॉमोडिटीज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। अनन्या बात समझ में आ रही है? तो आपका डायग्राम पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं हो सकता, सिमिलरली पैरेलल टू वाई एक्सिस भी नहीं हो सकता। अपवर्ड स्लोपिंग को सुनो ध्यान से, अपवर्ड स्लोपिंग कब होगा? अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है, अरे मैं कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, आप जितने भी कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, आप देखें, ए कॉम्बिनेशन में अगर मैं 1 1 लिख लूं एक्स और वाई, तो बी पर ये दोनों के दोनों बढ़ेंगे, कम होंगे, ज्यादा होंगे? कबनूर, सब बढ़ेंगे। दोनों के दोनों बढ़ जाएंगे, यानी गन बटर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ गया है। सी कॉम्बिनेशन पर देखो, गन प्रोडक्शन और ज्यादा हो गया, ए पर जितने पैसे लगे हैं, बी पर और ज्यादा, बी पर जितने लगे हैं, सी पर और ज्यादा, डी पर इतने ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, अरे और ज्यादा लाओगे कहां से? है ही नहीं, है ही नहीं। जो भी रिसोर्सेज है आपके पास गिवन है, और वो सारे के सारे यूज कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डायग्राम अपवर्ड स्लोपिंग बन जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन, बिकॉज रिसोर्सेज आर गिवन और कॉन्स्टेंट। अनन्या क्लियर है? कुल मिला के मेरा फाइनल आंसर जो मैंने लिखवाना है, अब वो डिस्कस करना चाहूंगा, वही आपको लिखना है। मैंने एक्सप्लेनेशन में समझाया, पैरेलल नहीं हो सकता ना एक्स एक्सिस के ना वाई एक्सिस के, सिर्फ और सिर्फ ना अपवर्ड स्लोपिंग हो सकता। अपवर्ड स्लोपिंग को डिक्शनरी में बोलते हैं सेम रिलेशन, जब एक्स और वाई दोनों के दोनों बढ़े या दोनों के दोनों घटे तो अपवर्ड स्लोपिंग, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर कोई भी लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रही है, कारण है इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। और आप ऐसे ही हो, मैंने अभी समझाने की कोशिश करी डायग्राम के माध्यम से, शेड्यूल के माध्यम से, कि आपके डायग्राम में देख लो, आप जब शेड्यूल में देख लो, जब आप अपनी फैक्ट्री में बटर का प्रोडक्शन बढ़ाओगे, पैसे उतने ही हैं, तो बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पैसे बटर में ज्यादा लगेंगे कि उतने ही लगेंगे? कवनूर, ज्यादा लगेंगे। जब बटर पे ज्यादा लग गए पैसे, तो गन के प्रोडक्शन के लिए पैसे क्या हो गए? कम। जब गन के लिए पैसे ही कम हो गए हैं, तो गन का प्रोडक्शन उतना ही होगा, कम होगा? तो एक का बढ़ना दूसरे का घटना, इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू कॉमोडिटीज बटर एंड गन। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग। लैंग्वेज बोलूं अगर समझ में आ गया है तो? कवनूर, इशिता, यस सर, श्रीकांत, बात समझ में आ गई है तो लैंग्वेज बोलूं अब आपको याद करनी है?
श्रीकांत, रितेश, यस भैया, आइडिया बता चुका हूँ, क्वेश्चन 3 से 4 नंबर के लिए आएगा, मीनिंग लिखना है, उसके नीचे डायग्राम शेड्यूल और फिर डाउनवर्ड स्लोपिंग का एक्सप्लेनेशन, मैं भाषा बोलता हूँ सब याद करेंगे, मैं सुनूंगा उसके बाद, लैंग्वेज बोलना चाह रहा हूँ, वेन द प्रोड्यूसर, अरे क्या मीनिंग लिख चुके हो, वेन द प्रोड्यूसर, लैंग्वेज देखना, जो मैं बोल रहा हूँ वो डायग्राम से पढ़ रहा हूँ, वेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी से बटर, अरे तुम्हारे एग्जाम्पल में बटर है, बुक में हो सकता है उसकी जगह व्हीट लिखा हो सकता है कुछ और लिखा हो, तो मैं अपने एग्जाम्पल में, तुम पेपर में बटर बनाओगे बटर लिख देना, व्हीट बनाओगे व्हीट लिख देना, जो भी बनाओगे वो लिख लेना, क्या लिखा है नीचे एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ, व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी से बटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अरे वो रिसोर्सेज आपके, आज के जमाने में रिसोर्सेज पैसा है, पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु के बदले में वस्तु बनाई जाती थी, अनन्या बात समझ में आ रही है, व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी से बटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर्स डिक्रीजेस, अरे जो भी रिसोर्सेज है आपका पैसा वो दूसरी वस्तु को बनाने के लिए उतना ही रहेगा कम होगा, अनन्या प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑल्सो, सो द प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑल्सो रिड्यूसेस ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू कॉमोडिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड व्हिच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय फॉलोइंग डायग्राम एंड शेड्यूल, अरे डायग्राम नीचे बनाओ तो फॉलोइंग लिखना और अपने पैराग्राफ से ऊपर बनाओ तो लिख लेना अबव डायग्राम एंड शेड्यूल, कवनूर बात समझ में आती है मैंने क्या बोला है, yes, sir. मैं ये पैराग्राफ दोबारा बोलूंगा, एक बार सारे याद करने की कोशिश करो, याद करना इंपॉर्टेंट है ताकि बाद में लिख सको, कोई बच्चा याद ना कर पाए बाद में भूल जाए, बीसीसी ऐप से रिवाइज करके लिख सकता है, लैंग्वेज बोल रहा हूँ, मीनिंग लिख चुके हो, डायग्राम शेड्यूल बना चुके हो, नीचे वाला पैराग्राफ, व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी से बटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर ब्रैकेट में लिखना गन रिड्यूसेस, सो द प्रोडक्शन ऑफ अदर ब्रैकेट में लिखना गन ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू दिस इनवर्स, अरे बढ़ने पर घटना, क्या बोलते हैं इनवर्स, ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू कॉमोडिटीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड स्लोपिंग विच इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड बाय, अरे ये बात कहां लिखी है आपने, डायग्राम में भी शेड्यूल में भी, अबव डायग्राम एंड शेड्यूल या बिलो डायग्राम एंड शेड्यूल, कवनूर याद हो गया, अरे जल्दी बोलना है, yes, sir. दृष्टि बात समझ में आ गई, हेमा, लीना, yes, मैं एक बार और बोलूंगा, कोशिश करो याद कर सको, अंतिम बार बोल रहा हूं एक बार ही दोबारा, नीचे वाला पैराग्राफ, व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी से बटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर डिक्रीजेस, सो द प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑल्सो डिक्रीजेस due to this inverse relationship between the production of two commodities, example aapki table ke according badlega, production possibility curve slopes downward which is also reflected by diagram and schedule, zor se bolo kavnur, when the producer increases the production of a commodity say butter, the availability of resources for the production of the other ब्रैकेट में गन डिक्रीजेस, सो द प्रोडक्शन ऑफ अदर ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू कॉमोडिटीज, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड व्हिच इज ऑल्सो शोन इन द अबव डायग्राम, क्या डायग्राम एंड शेड्यूल, शेड्यूल भी बनाया, डायग्राम शेड्यूल, बढ़िया बात, बढ़िया बात, अनन्या बोल पाओगे, प्रोडक्शन ऑफ अदर्स ऑल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द two commodities, production ability curve slope downward will all
आज अनन्या आपका थोड़ा सा डाटा बोलने में, कोई बात नहीं, सही बोला है, आपको याद है पूरा, बट नेटवर्क इशू है, आपकी साउंड पूरे तरीके से आई नहीं है। मैं एक बार सबके लिए बोल देता हूँ, फिर याद करें सभी। निताली याद हो गया? यस सर। जिया, यस सर। पारुल चौधरी, पारुल बच्चे याद हो गया? जल्दी जल्दी बोलो जी। पारुल, रौनक, रोहित, रौनक, रोहित, सर याद हो गया बच्चे? यस सर। बहुत बढ़िया। रितेश आपको याद हो गया? यस भैया। जिया आपने याद कर लिया? यस सर। लीना बोलो आप, प्रोडक्शन पॉज, एक बार सारे रिवाइज कर लो, मैं ही बोल देता हूँ, एक बार सारे रिवाइज कर लो और फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मीनिंग डायग्राम शेड्यूल बनाने के बाद पैराग्राफ 3 से 4 नंबर के लिए मार्किंग स्कीम भी बोल रहा हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग आप नोट्स बना सकें। व्हेन द प्रोड्यूसर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी से बटर, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर, ब्रैकेट में लिखना गन, ऑल्सो रिड्यूसेज या डिक्रीजेज, सो द प्रोडक्शन ऑफ अदर, ब्रैकेट में से गन, decreases due to this inverse relationship between the production of two commodities. Production possibility curve slopes downward, which is also reflected by diagram and schedule. किसी को confusion है पूछें, otherwise मैं अगला question शुरू कर रहा हूँ। दीप्ति आनंद याद हो चुका है? Yes sir. मेरा अगला question, question पहले से ही मालूम है किस तरह से आएगा। आपने दूसरा function और characteristic PPC का याद करा है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है अनन्या? कनकेव टू ओरिजिन आपने याद करा हुआ है, कनकेव टू ओरिजिन याद करा हुआ है। और कनकेव का मतलब क्या, मैंने शेप बना के दिखाई है कि अगर ये शेप स्ट्रेट लाइन हो तो ऐसे बनेगी, अगर ऐसी शेप हो तो इसे बोलेंगे कन्वेक्स टू ओरिजिन। और जो मैंने ब्लू कलर से सामने डायग्राम में बनाई है ये क्या है, कनकेव टू ओरिजिन, ऐसे ही बनाना है और इसको कनकेव टू ओरिजिन बोल रहे हैं। एग्जामिनर कैसे पूछेगा 3 से 4 नंबर के लिए, वो बोलेगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कनकेव टू ओरिजिन एक्सप्लेन, या व्हाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू ओरिजिन, या एक्सप्लेन द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कोई भी ऐसी बात बोले तो कनकेव को समझाना है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहले लिखने का आइडिया, ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, पीपीसी में सबसे ज्यादा यही वाला आता है, सबसे ज्यादा स्कूलों में यही क्वेश्चन आएगा, अरे एक ही क्वेश्चन आएगा पीपीसी का 3 से 4 नंबर का, कंपलसरी है सबके स्कूलों में, सबसे ज्यादा यही वाला टाइप आता है। पहले डिस्कस कर रहा हूँ आंसर कैसे, पहले मीनिंग सबको याद है, उसके बाद डायग्राम और शेड्यूल। बच्चों डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनाना है जैसा आपने याद करा था, शेड्यूल में आपको यहाँ अलग से मैंने देखो एक लाइन जोड़ी है MOC, MOC इसको पहले थ्योरी में अलग से याद करेंगे। MOC शॉर्टकट है, टेक्निकल लेवल लगा सकते हो, इसे बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बार ये पूरा नाम बोलो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कवनूर। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कुछ किताबों में नाम बदल रखा है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांस, ये अलग से एक नंबर के लिए भी आ सकता है। देखो MOC को MRT भी बोलते हैं, MOC पूरा नाम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये दो नाम है अलग अलग बुक्स में, कोई भी एग्जामिनर नाम बदल दे एक ही बात है, MOC या MRT, एक बार दोनों की फुल फॉर्म। कवनूर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल MRT की क्या थी? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, रिपीट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफर, नहीं, अरे मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये मार्जिनल, अभी मैं मीनिंग याद कराऊंगा, पहले एक्चुअली में मीनिंग सबको लिखना आ गया, डायग्राम याद है, शेड्यूल वही है, उसमें कॉलम और जुड़ जाएगा MOC का, किसी की बुक में MOC को MRT लिखा है तो वो लिख सकते हैं, तो वो याद कर लो, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये लाइन कैसे बनेगी उसको पहले समझा रहा हूँ, उसके बाद उसका मीनिंग याद कराता हूँ,
मीनिंग याद कराता हूँ, ये मीनिंग अलग से एक नंबर के लिए आ सकता है, एमसीक्यू में इसका फार्मूला पूछा जा सकता है एक नंबर के लिए, उसके बाद हम कनकेव की बात करेंगे। कनकेव की चर्चा सीधा नहीं कर सकते, कनकेव के लिए जो टेक्निकल लेबल यूज हो रहा है एमओसी उसको समझते हैं। तो एमओसी का मीनिंग सामने लिखा हुआ है, लैंग्वेज जो सामने लिखी है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको अंडरस्टैंड करेंगे। भैया इस दुनिया में जब भी आप फैक्ट्री में बटर का प्रोडक्शन एक एक करके बढ़ाओगे, अरे पहले फैक्ट्री में बटर का प्रोडक्शन जीरो था, आपने एक एक देखो जो आपने बचपन में याद करा था पहले मैं उसको यूज़ करता हूँ। अरे आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट याद है, कवनूर मैंने एक नंबर के लिए याद कराया था। Yes, sir. पहले जो याद कराया था मैं उसी को यूज करूंगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब था कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, जब भी आपने आफ्टर 10th क्लास अजम्पशन ले रहा हूँ कॉमर्स की सिलेक्शन करी है और उसके बाद आप इको पढ़ रहे हो तो मुफ्त कुछ नहीं मिल रहा। इस इको को पढ़ने में वट एवर यू हैव टू पे, आपको डाटा के चार्जेस देने पड़ते हैं, मोबाइल की कॉस्ट है, लैपटॉप की कॉस्ट है, आपको इंस्टीट्यूट को एक फीस पे करनी होती है, तो बदले में जो भी पे कर रहे हो वो उस अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट है। ये सबको मालूम है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। मैं इसमें जोड़ रहा हूँ मार्जिनल, इसमें जोड़ रहा हूँ मार्जिनल, मार्जिनल को भैया हर चैप्टर में मार्जिनल में यूज करूंगा। मार्जिनल को डिक्शनरी में बोलते हैं एडिशनल। कवनूर क्या बोलते हैं मार्जिनल को डिक्शनरी में? एडिशनल। एडिशनल जब हम एक एक यूनिट की बात करेंगे तो वहां मार्जिनल लगेगा, जब हम टोटल की बात करेंगे 10 लड्डू को खरीदने में जो पेमेंट करी है, 10 लड्डू को खरीदने में जो पेमेंट करी, अरे 10 लड्डू के बदले में पुराने जमाने में 100 किलो टमाटर दे दिए, आज 10 किलो के लिए हमने 100 रुपए दे दिए। अरे अजम्पशन ले रहा हूं, कभी कोई कहे 100 रुपए में थोड़ी ना आते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 10 किलो लड्डू खरीदने में आपने 1000 रुपये दे दिए, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अरे इस लड्डू की कॉस्ट है 10 किलो के बदले में वट एवर यू हैव टू पे, क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो 1000 रुपया। लेकिन 1 किलो लड्डू कितने के आए कवनूर? 10 किलो 1000 रुपये के हैं, 1 किलो कितने के? अरे मैथ्स वालों कहाँ गए, 10 किलो 1000 रुपये के, तो 1 किलो। तो भैया जब मैं 1 किलो की बात करूंगा, 1 की बात करूंगा तो वहां मार्जिनल लगेगा कि 1 किलो लड्डू पाने के लिए कितने छोड़े, 100 रुपए, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 1 किलो लड्डू। तो जब एक एक यूनिट की बात करेंगे तो मार्जिनल लगा देंगे, और ये मार्जिनल शब्द मैं हर चैप्टर में यूज करूंगा, जिस भी टर्म के साथ मार्जिनल लगा दूंगा तो वहां एक एक यूनिट की बात होगी। तो मैं बोलना चाह रहा हूं भैया जैसे ही आपने बटर की 1 यूनिट बढ़ाई तो भैया मुफ्त कुछ नहीं मिल रहा, जितना बटर बढ़ाओगे बदले में पैसे कम हो जाएंगे जिससे घन का प्रोडक्शन कम होगा। तो इस बटर को बढ़ाने के लिए कितना घन छोड़ा है देख के बताओ जरा मुझे। अरे कवनूर बताओ एक बटर को पाने के लिए कितना घन? 1। अरे इस बटर को पाने के लिए 1, तो 1 को पाने के लिए कितना छोड़ा? 1 मैंने लिख दिया एमओसी। ऊपर वाला डैश क्यों लगाया है? अरे डैश या जीरो क्यों लगाया है? अरे देखो फार्मूला लिख रहा हूं मैं एमओसी वाला, डेल्टा वाई, अरे वाई एक्सिस को समझते हो ना, वाई एक्सिस में जो भी नाम हो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, अरे एक्स का मतलब यहाँ एक्स एक्सिस है, वाई का मतलब वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो अपने आप। अरे कवनूर बात समझ में आ रही है फार्मूला एमओसी का? डेल्टा वाई बाय डेल्टा, अरे डेल्टा का मतलब सिखाया बचपन में किसी ने आपको? डेल्टा का मतलब चेंज होता है। अरे हाँ या ना बोलो कवनूर, कवनूर सर। अरे जो मैंने ट्रायंगल बनाई है इस ट्रायंगल को बोलते हैं डेल्टा, मैथमेटिकली डेल्टा बोलते हैं, इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स, समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो मैंने यहाँ बोला इस एक बटर को पाने के लिए कितना छोड़ा, यहाँ ऊपर वाला अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ऊपर वाला, अरे ऊपर चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना है 15 यूनिट, चेंज इन बटर, अरे चेंज इन एक्स कितना है 0। अरे आपको मालूम है नीचे 0 हो तो उसे दुनिया का कोई आदमी सॉल्व नहीं कर सकता। यस सर। अगला देखो, अरे बटर की 1 यूनिट को पाने के लिए घन कितना छोड़ा जल्दी बताओ। देखो 2 लिख दिया। अगला देखो, एक बटर को पाने के लिए कितना छोड़ा? अरे बोलते जाओ। इसको पाने के लिए कितना छोड़ा? देखो सामने वही लिखा हुआ है, इसको पाने के लिए कितना छोड़ा बोलो? 5। कुल मिला के मैं एमओसी का मीनिंग बोल रहा हूं, सैक्रिफाइजिंग रेट ऑफ अदर्स। अरे वो अदर यहां पर गन है, अरे यहां पर गन है, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग गन की जगह तुम वहां कुछ और लिख सकते हो,
टैंक लिख सकते हो, पत्थर लिख सकते हो, कुछ भी, हाउस लिख सकते हो, सेफ्टी मेजरमेंट का एग्जांपल। तो इस दुनिया में कुछ भी पाना चाहो तो उसके बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो एक एक यूनिट वाइज। द सेक्रीफाइजिंग रेट ऑफ अदर्स ड्यू टू एडिशनल, एक की बात कर रहा हूं, एडिशनल यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर। कवनूर याद हुआ मैंने क्या बोला है? यस सर। पहले सिर्फ मीनिंग याद कर रहे हैं, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको सीखे समझे बगैर आप कंकेव की बात नहीं कर सकते। तो एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इस दुनिया में किसी एक यूनिट को बनाने के लिए, अरे बटर की एक यूनिट को बनाने के लिए दूसरी यूनिट को कितना छोड़ रहे हो, वो दूसरी यूनिट पैसा है या वस्तु है, जो भी है, जितना भी छोड़ोगे वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक टमेटो को उगाने के लिए, अरे खेत में टमेटो उगाओगे तो पटेटो नहीं उगेगा, पटेटो उगाओगे तो भिंडी नहीं उगेगी, अरे जो उगाओगे तो बाकी छूटेंगी ना। अरे भाषा समझ में आती है कवनूर को? Yes, sir. तो एक टमेटो उगा लिया तो दो पटेटो छूट गए, तो एक टमेटो की कॉस्ट क्या हुई? दो पटेटो। अरे समझ में आता है मैंने क्या कहा? Yes, sir. एक को पाने के लिए, एक टमेटो को पाने के लिए कितने छोड़े? दो पटेटो। तो एक टमेटो की कॉस्ट क्या हो गई? दो पटेटो। ये एमओसी। बोलू लैंग्वेज कवनूर, लैंग्वेज बोलू? यस सर। सेक्रीफाइजिंग रेट ऑफ अदर्स, गन की बात कर रहा हूं, कितने गन छोड़ोगे? सेक्रीफाइजिंग रेट ऑफ अदर्स ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ ए कॉमोडिटी नोन एज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। रिपीट करें कवनूर। Sacrificing rate of others due to the production of additional unit of a commodity is known as MOC. जो हम मेरे इस एग्जाम्पल में जो हम छोड़ रहे हैं वो गन है, और जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं एक एक यूनिट वाइज, मैं पहले बता चुका हूँ, जब भी प्रोडक्शन करेंगे एक एक करके, आप यहाँ दो दो का गैप, तीन तीन का गैप, चार चार का गैप नहीं रख सकते, रखते ही टेबल जीरो हो जाएगी। अरे याद आ रहा है अनन्या आपको? Yes, sir. मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हाँ रिपीट करूंगा, एमओसी याद करा रहा हूँ। और आपकी बुक में ये लैंग्वेज थोड़ा थोड़ा आगे पीछे बदल के लिखी जा सकती है, देखो सामने लिखी भी हुई है, मैंने क्या बोला है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सामने स्क्रीन पर चल रहा है, सेक्रीफाइजिंग रेट ऑफ अदर्स, अपनी तरफ से लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो याद कर लो, या जो सामने लिखा है वो याद कर लो, या बुक से याद कर लो, या जो मैंने अपने नोट्स में पीडीएफ लिख के भेजा है वहां से याद कर लो। क्या? सेक्रीफाइजिंग रेट ऑफ अदर्स ड्यू टू एडिशनल यूनिट of a commodity produced by the producer known as marginal opportunity cost. लीना याद हो गया क्या? मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, marginal opportunity cost refers to sacrificing rate of others due to additional unit of a commodity produced by the producer. Ananya clear है? Yes, sir. सामने लिखा भी हुआ है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगली क्लास में इस टॉपिक को आगे चलाएंगे, समय की लिमिटेशन। इशिता क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir.